Hello students, today our topic is uniform circular motion. But before we starting the uniform circular motion, let's take a brief studies on the revision of the chapter 8 in the motion. So first we have started the chapter from what is the motion. So motion से हम लोगों ने अपना chapter start किया था, and then we have described what is the basic definition for motion, कि कोई भी चीज़ जो universe के अंदर move हो रही है, basically हम उसको क्या कहेंगे, motion कहेंगे. Okay, after that we have studied what is the distance, what is the displacement. After that we have studied what is the speed, velocity, acceleration. उसके बाद हम लोगों ने देखे थे graphical representation हम लोग कैसे करते हैं motion के अंदर सारी चीज़ों का. So हमने देखा था कि x axis पर हम लोगों को क्या लेना है, y axis पर क्या लेना है. Always we have taken the x axis as the time. Okay, after that we have studied the equations of the motion. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर रखी है. चलो थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या स्टडी किया था, उसमें कौन सी टॉपिक आते हैं. उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. तो आप लोगों ने देखा था पिछली बार की जो चैप्टर था उसमें, पिछली बार का जो टॉपिक था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि मोशन से स्टार्ट किया था, उसके बाद डिस्टेंस के बारे में स्टडी किया था. तो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है कि कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है, ओके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जनरली, उसका जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई द बॉडी इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस. एंड इफ द बॉडी कम्स बैक एंड देन वी टेक द मेजरमेंट ऑफ दैट, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा जो डिफरेंस था हम लोगों ने क्लियर कट किया था कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, तो कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है, मूव ऑन करती है, और उसका अगर मैं मेजरमेंट लेता हूँ तो उसको मैं क्या कहूँगा, डिस्टेंस कहूँगा. लेकिन अगर मैं एक्चुअल पोजिशन से अगर मैं कंसिडर करूँगा बॉडी की जो पोजिशन है वो जहाँ पर चेंज हुई है, अगर वो मैं कंसिडर करता हूँ देन दैट इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, कि भाई बॉडी ने कितना मूवमेंट किया है फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट और फ्रॉम द एक्चुअल पॉइंट. ओके, तो जितनी प्लेस उसकी जितनी जगह पर चेंज हुई है अगर मैं उसका मेजरमेंट लेता हूँ देन इट इज़ कंसिडर एज द डिस्प्लेसमेंट. फिर धीरे धीरे हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर सिर्फ बात आती है मैग्नीट्यूड की. तो हम लोगों ने फिर उसके अंदर देखा कि जब पहली बात आती थी मैग्नीट्यूड की, आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट इन द क्वान्टिटी दैट हैज़ कंसिडर द मैग्नीट्यूड एंड द टाइम बोथ, तो दैट इज क्वान्टिटी इज डिराइव्ड एज द स्पीड. तो स्पीड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि मैग्नीट्यूड भी आता है और टाइम भी आता है. ओके, तो फिर हम लोगों ने देखा था कि स्पीड जो है वो क्या होती है, तो किसी कोई पर्टिकुलर टाइम के अंदर बॉडी ने कवर किया हुआ डिस्टेंस, तो उसको हम लोगों ने बेसिकली बोली थी स्पीड. तो स्पीड जो है उसका इक्वेशन भी हम लोगों ने बनाया था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम. फिर डिस्टेंस का जो हमने यूनिट था वो बनाया था मीटर, और टाइम का जो यूनिट था वो हमने बनाया था सेकेंड. आफ्टर वी हैव स्टडीड, पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में स्टडी की थी, स्पीड में हम लोगों ने मैग्नीट्यूड और टाइम के बारे में स्टडी की. देन वी हैव कंसिडर द वेलोसिटी, जिसके अंदर हम लोगों ने तीन चीज़ों के बारे में स्टडी की, कि भाई अगर कोई चीज़ है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वो कोई डायरेक्शन के अंदर कर रही है, तो इसमें डायरेक्शन भी आई, मैग्नीट्यूड भी आई और टाइम भी कंसिडर हुआ. ओके, तो तीनों चीज़ें जिसके अंदर आई, फिर हमने जो चीज़ बनाई, जो क्वांटिटी बनाई, उसको हम लोगों ने नाम दिया वेलोसिटी. तो वेलोसिटी जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, उसको हम लोगों ने कैसे डिराइव किया था, बाय द डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का. तो वेलोसिटी जो है, सॉरी, वेलोसिटी का इक्वेशन बनाया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का. तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका भी यूनिट क्या है, मीटर ही है, और टाइम का यूनिट है वो भी सेकेंड है, तो उसका भी यूनिट जो है वो सेम है. लेकिन स्पीड में जो है वो हम लोगों ने डायरेक्शन कंसिडर की नहीं थी, और हम लोगों ने वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन कंसिडर की है. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था कि कोई भी अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो क्या होता है, कि अगर कोई डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी के अंदर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी के अंदर क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा. तो इसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन बनाया कि भाई चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन द वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोग बनाए, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, जो है मीटर पर सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड की इक्वेशन की वैल्यू पुटअप की अपॉन टाइम की पुटअप की वैल्यू जो यूनिट है उसकी, दैट इज़ अ सेकेंड. तो यूनिट हमारा बना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जो है वो कंसिडर होता है डिनोमिनेटर में. सो दैट इज़ वी हैव डिराइव्ड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट फॉर द एक्सेलरेशन.
After that, we have studied what is the graphical representation of all the types of motion, like a distance time graph, displacement time graph, velocity time graph and acceleration time graph. तो इसमें बहुत सारे graphs हम लोगों ने देखे थे कि जिसके अंदर uniform motion हो रहा था, non-uniform motion हो रहा था. तो uniform motion हो रहा था तो वो straight line वाला graph आता है, non-uniform motion होता है तो कोई भी waves वाला graph आता है, रिटार्डेशन वाला ग्राफ है तो कोई भी लोअर स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आता है. सो दैट आर द ग्राफ दैट वी हैव स्टडीड इन द फोर टाइप्स ऑफ ग्राफ दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. देन वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशंस फॉर द मोशन. तो तीन इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव्ड किए थे. फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोगों ने डिराइव्ड किया था वो ये था, आपकी स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है वो, जो हम लोगों ने डिराइव किया था. क्यों? क्योंकि हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशन चाहिए था. इसके लिए हम लोगों ने सिंपली वैल्यू जो है वो पुटअप की थी, दैट है वी डिराइव्ड वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने भी डिराइव किया था जो था हमारा डिस्टेंस का, जिसमें हम लोगों ने कंसिडर किया था यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर. तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों इक्वेशन डिराइव कर लिए थे. ओके, तो हम लोग अब लास्ट इक्वेशन जो है वो लास्ट जो टॉपिक है हमारे टॉपिक का चैप्टर का वो हम लोग देख लेते हैं. दैट इज़ एन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. सो यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन बेसिकली है क्या? तो कोई भी बॉडी है वो सर्कल शेप के अंदर मोशन कर रही है कंटिन्यूसली बाय स्टार्टिंग पॉइंट से, वहाँ से शुरू करके फिर वहाँ पर ही वापस आ जाती है. ओके, स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट विल बी द सेम एंड बॉडी इज मूविंग अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड. That is known as the circular motion. But इसके अंदर ना magnitude change होनी चाहिए ना अभी direction. इसके अंदर direction तो continuously change हो ही रही है. Okay, क्योंकि direction अगर मैं consider करूँ तो एक यहाँ पर अगर मैं place लूँ तो यहाँ से फिर मैं यहाँ पर पहुँचा तो continuously direction जो है हमारी एक point से दूसरे point पर continuously क्या हो रही है, change हो रही है. ओके, बट अगर मैं यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन का मोशन कंसिडर करता हूँ तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन वाला जो मोशन था उसके अंदर डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही थी. सो ये एक बहुत ही बड़ा बेसिक डिफरेंस है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन वाला मोशन जो है उसके अंदर का बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि इसमें डायरेक्शन जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. ओके, मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रही है. तो बॉडी जो है अगर सर्कल शेप के अंदर मूव करती है देन इट इज़ कॉल्ड एज अ सर्क्यूलर मोशन. तो बॉडी जो है वो सर्क्यूलर पाथ के अंदर कंसिडर करती है और डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो भी उसको सर्क्यूलर मोशन कहते हैं. उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्क्यूलर पाथ विद द यूनिफॉर्म स्पीड इट इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. यानी कि स्पीड जो है अभी वो कैसी है, यूनिफॉर्म है. मतलब स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है. मतलब 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं यहाँ से निकला हूँ तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मैं सर्कल के अंदर घूम के फिर वहाँ पर वापस आ जाता हूँ. सो सपोज वी हैव टू मेक द इक्वेशन. ओके, कि भाई मुझे इक्वेशन बनाना है कि भाई इसमें कितना चेंज हो रहा है, मुझे मेजरमेंट करना है, वेलोसिटी इसकी फाइंड करनी है. सो वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो क्या है हमारा, स्पीड अपॉन टाइम का इक्वेशन है. तो इसमें अगर मुझे स्पीड कंसीडर करनी है तो वो स्पीड मैं कैसे कंसीडर, वो तो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन था तो स्पीड हम लोगों ने कंसीडर कैसे भी कर सकते हैं मैग्नीट्यूड से. बट ये हमारा सर्कल है तो सर्कल के अंदर का अगर हम लोगों को स्पीड फाइंड आउट करना है सो हाउ कैन वी फाइंड द स्पीड ऑफ द सर्कल. सो बाय यूजिंग द सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस यानी कि ये जो आपको लाइन दिख रही है, क्योंकि मैं इसी पाथ के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली इस पाथ के ऊपर ही ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये पाथ अगर मुझे फाइंड करना है, ये पाथ को अगर मैं मान लो कि यहाँ से काट के फिर यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन बना के ये पॉइंट को भी यहाँ पर खींच के एक स्ट्रेट लाइन बना दो, तो अगर मुझे उसका मेजरमेंट करना है सो आई कैन यूज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. क्योंकि सर्कमफेरेंस हम लोगों को क्या देता है, ये जो पाथ है हम लोगों का ब्लैक कलर का दिखा हुआ सर्कल का, वो हम लोगों को मेजर करके देता है. तो ये पाथ ही तो मुझे कंसिडर करना है स्पीड के लिए, तो ये जो पाथ है वो पाथ को मैं क्या बोलूँगा, सर्कमफेरेंस. तो सर्कमफेरेंस का मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन आता है, दैट इज़ अ 2πr. सो वी पुट द वैल्यूज ऑफ 2πr एंड द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था अभी मैंने बोला है इसी लेक्चर के अंदर की, वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो है स्पीड अपॉन टाइम. तो स्पीड कंसिडर करने के लिए मैं सर्कमफेरेंस को कंसिडर करूँगा. सो हाउ कैन आई कंसिडर द सर्कमफेरेंस बाई द इक्वेशन ऑफ 2πr. Now put the value of 2πr into the speed and put the value of time. Time is equal to t. Now we have derived the equation for the uniform circular motion.
also in that uniform circular motion we have to consider what is the angular moment. एंगुलर मोमेंट एक क्या होता है कि एंगुलर मोमेंट मान लो कि मैं अगर यहाँ एक सेंटर पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है सो सेंटर पॉइंट से लेके मैं पहले यहाँ पर कंसिडर करूँगा, फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया ओके, तो सेंटर पॉइंट से अगर मुझे मेजरमेंट करना है तो यहाँ पर जो ये एंगल बना उसको मैं कहूँगा एंगुलर मोमेंट. क्या कहूँगा? एंगुलर मोमेंट. इस एंगुलर मोमेंट को भी हम लोगों को डिफाइन करना है क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम में आएगा कि एंगुलर मोमेंट जो होता है वो क्या होता है. जनरली एंगुलर मोमेंट जो होता है उसको हम लोग थीटा से डिफाइन करते हैं ओके, थीटा से डिफाइन करते हैं जो कि इस तरह का दिखता है ओके, थीटा से डिफाइन करते हैं. और थीटा का इसका जो यूनिट है, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एंगुलर मोमेंट जो है उसको भी हम लोगों का एक यूनिट है, उसका जो यूनिट है वो है रेडियन. ये आप लोगों की स्टडीज़ में नहीं आता है बट जनरली हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज यू कैन गो टू द 11th 12th साइंस इन द फिजिक्स सेक्शन, देयर यू हैव टू स्टडीज व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंट. तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, कि अगर सेंटर पॉइंट से मैं कोई भी एक पॉइंट को कंसिडर करके फिर मैं सेंटर पॉइंट से ही दूसरे पॉइंट पर जहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ और उसके बीच का जो एंगुलर मोमेंट है, एंगल वाला जो मोमेंट है, अगर वो मैं कंसिडर करता हूँ दैट इज़ एन एंगुलर मोमेंटम ओके. तो उसका जो डिफाइन है वो हम लोग थीटा से डिफाइन करेंगे और थीटा का यूनिट जो है यानी कि एंगुलर मोमेंट का जो यूनिट है वो हम लोग डिफाइन करेंगे बाय रेडियन ओके. तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर हुई है ऑलरेडी ओके. सो आज आप लोगों का होमवर्क का जो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एक्सप्लेन व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये आप लोगों को लिखना है. इसके अंदर आप लोग ये सारी चीज़ें लिख सकते हो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रही है ओके. मतलब कि आप बता सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद आप बता सकते हो कि इसके अंदर हम लोगों ने कौन सी चीज़ों को कंसिडर किया है, उसके बाद आप लोग बता सकते हो कि सर्कल की फिगर ड्रॉ करके बता सकते हो कि इसमें हम लोगों ने सर्कमफेरेंस कंसिडर किया है, सर्कमफेरेंस का इक्वेशन क्या है, 2πr है, तो सारी वैल्यूज जो है वो हमने पुट अप की है सो वी कैन इजीली डिराइव द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओके. सो टुडेज लेक्चर दैट्स इट एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टिंग एन अनदर चैप्टर ओके ओके. इफ यू हैड एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम ओके. थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर ओके. दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय.